प्रभारी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री निरंजन विष्टलाई राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्र को प्रहरी कर्मचारी तर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पद में बढ़ुआ नियुक्ति करने, महालेखा परीक्षक श्री टंकमणि शर्मा बंगाल को नेतृत्व को टोलीलाई अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरुको संगठन को 24 महाधिवेशन में सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने, बेरुजू फरचोट अनुगमन समिति को सचिवालय में आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि राजपत्रांकित स्तर को दरबंदी स्वीकृत करने, विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रम का लागि प्राप्त होने 275 मिलियन अमेरिकी डलर करीब रु 35 अर्ब सहुलियत ऋण सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार करने, महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त होने 12 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिका को वाशिंगटन डीसी में आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष को संयुक्त वार्षिक बैठक में भाग लिन माननीय अर्थमंत्री नेतृत्व को प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, 2079 असोज 8-9 गते स्वीडेन को स्टकहोम में आयोजना होने 14th एनआरएन यूरोपियन रिजनल मीटिंग में सहभागी होना कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री को भ्रमण स्वीकृत करने, सामाजिक सुरक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत करने, नेपाल र रोमानिया बीच द्विपक्षीय परामर्श संयंत्र स्थापना करने समझदारी पत्र में हस्ताक्षर करना परराष्ट्र मंत्रालयलाई स्वीकृत प्रदान करने, जनवादी गणतंत्र चीन का राष्ट्रीय जनकांग्रेस का स्थायी समिति का अध्यक्ष महासचिव श्री ली चांगसू को नेपाल भ्रमण को अवसर में वार्ता करना प्रतिनिधिमंडल गठन करने, पोस्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लीज में उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने, किबुज हाई लेवल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रम में सहभागी हुन माननीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई स्वीकृत दिने, मधेश प्रदेश में चिड़ियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृत दिने, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि अस्थायी दरबंदी स्वीकृत करने, जिला समन्वय समिति प्युठान को जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठान को नाम में हक हस्तांतरण को लागि स्वीकृत दिने।